पंजाब में एक और जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं जिसकी वजह से कई सारे गांव अलर्ट पर है। इसी बीच अहम खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि पोंग डैम झील में पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। जी हां, बीबीएमबी प्रशासन ने डैम में पानी की स्थिति को कंट्रोल रखने के लिए पानी छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको स्थिति के अनुसार जारी रखा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से लोगों को अपील की जा रही है कि वो नदी और नालों के पास ना जाएं। शुक्रवार को पोंग डैम से जो जानकारी सामने निकल कर आई उसके अनुसार पोंग डैम से सिपलवे द्वारा 52,423 तथा पावर हाउस द्वारा 17,124 क्यूसेक पानी शाह नहर बैराज में छोड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि तकरीबन जानकारी ये भी आई है कि 7 बजे पोंग डैम झील में पानी की जो आमद थी वो 62,015 क्यूसिक नोट की गई है और पोंग डैम झील का लेवल 1352.7 फुट नोट किया गया है, जो कि खतरे के निशान से 2.07 फुट अधिक है। शाह नहर बैराज में 57,847 क्यूसिक बयास में छोड़ा जा रहा है। आप भी डालिए इस पूरे लाइव अपडेट पर एक नजर।